नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भीलवाड़ा जिले के कई ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन और कोविड 19 जागरूकता पर आमुखीकरण कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। जिले के करेड़ा उपखंड क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोविड 19 जागरूकता को लेकर शुक्रवार को उपखंड क्षेत्र की चावड़िया ग्राम पंचायत में एक दिवसीय स्वच्छ भारत मिशन और कोविड 19 जागरूकता पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें SRG गणपत लाल गुर्जर ने बताया कि जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा आदेशित कोविड 19 महामारी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास अधिकारी के निर्देशानुसार कोविड 19 जागरूकता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक सीमा वैष्णव द्वारा लोगों को बताया गया है कि देश में फैल रही कोरोना वैश्विक महामारी से डरना नहीं और किसी को डराना भी नहीं, इसका बचाव ही उपाय है। जैसे विदेश यात्रा से बचना, घर से बाहर के खाने से परहेज करें, मेला शादी समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य समारोह में जाने से बचें, अनावश्यक यात्राएं करने से बचें और भीड़ वाली जगह पर न जाएं, कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी का पालन करें, खांसी से ग्रसित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और इसके बारे में जानकारी दी वे लोगों को शपथ दिलाई। मैं गणपत लाल गुजर स्वच्छ भारत मिशन पंचायत समिति मंडल से SRG के रूप में ब्लॉक मंडल में समस्त ग्राम पंचायतों में ये कोविड 19 कार्यशाला चल रही है, उसमें आमुखीकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई ग्राम पंचायत चावंडिया में, जिसमें समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामवासी, पंचायत सहायक सभी ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राजेंद्र कुमार शर्मा DRG मंडल ब्लॉक से हूँ और यहाँ पर एक दिवसीय पंचायत स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई है। यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और हर राजस्व गांव में ये अभियान चलेगा और लोगों को कोरोना के बारे में बताया गया है और बचाव ही उपचार के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा।